नमस्कार। केंद्र में मोदी 3.0 इसके 100 दिन भी कंप्लीट हो गए हैं। 100 दिन को लेकर तमाम चर्चाएं हो रही हैं, सरकार की उपलब्धियों पर बात हो रही है और साथ ही जम्मू कश्मीर में चुनाव भी है। हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ नेता नितिन गडकरी जी मौजूद हैं। इनके साथ हमने देखा कि इन्होंने जम्मू रीजन में और कश्मीर रीजन में कई सारी रैलियां की और इस बार चुनाव में जो अहम मुद्दा है वो कनेक्टिविटी का भी है, जिसमें सबसे अहम रोल अगर किसी ने निभाया है तो वो गडकरी जी हैं। चलिए जरा उन्हीं से बातचीत करते हैं, कुछ राजनीतिक सवाल भी होंगे, लेकिन शुरुआत जरा बहुत बहुत स्वागत है नितिन गडकरी जी डीडी न्यूज पर। जम्मू रीजन में कश्मीर में आपने तमाम रैलियां की, आपने लोगों का मिजाज भी भापा, क्या अहम मुद्दा लग रहा है, केंद्र की नीतियां यहां पर अहम मुद्दा है या लोकल इशू? देखिए, जम्मू कश्मीर का इंफ्रास्ट्रक्चर जब तक डेवलप नहीं होता तब तक नई इन्वेस्टमेंट आने में अड़चने थी। दूसरी अड़चन 370 कलम की थी। अब दुनिया भर से, वर्ल्ड से इन्वेस्टमेंट आ रही है, रोड नेटवर्क अच्छा हुआ है, हम 2,00,000 करोड़ रुपए के रोड अभी बना रहे हैं और 1,00,000 करोड़ की पाइपलाइन में है, टनल्स बना रहे हैं, रोड्स बना रहे हैं, जिसके कारण इसी बार टूरिज्म लगभग दुगना हुआ है, उत्तराखंड में 3 गुना बढ़ा है, तो स्वाभाविक रूप से इससे रोजगार निर्माण होंगे और जम्मू कश्मीर का विकास होगा। नए नए टूरिस्ट स्पॉट, होटल, रेस्टोरेंट, टैक्सीज और कई वाटर स्पोर्ट, कई एडवेंचर स्पोर्ट्स, इन सब बातों से भी बहुत फायदा होगा। वैष्णो देवी के लिए हमारे यहाँ से कटरा से दिल्ली वाया अमृतसरम एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं, दिल्ली से कटरा 6 घंटे में, दिल्ली से अमृतसर 4 घंटे में और कटरा हाईवे से श्रीनगर 8 घंटे में होगा, तो नेचुरली बड़े प्रमाण पर टूरिस्ट आएंगे। इसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण बात है कि रेलवे लाइन भी बन रही है, हाइड्रो प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं और एक प्रकार से मैं जब MSME का मंत्री था, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, पश्मीना, इनको सबको काफ़ी प्रोत्साहन मिला है। अगर रोड अच्छे बनेंगे तो एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा और हम लोग अभी विशेष रूप से आशिया की सबसे बड़ी टनल 11.6 किलोमीटर जोजिला, जिसका 70-75% काम पूरा हुआ, वो कारगिल के नीचे बना रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अमरनाथ के लिए हम लोग 5,000 करोड़ का रोड बना रहे हैं और इसके साथ जम्मू से श्रीनगर ये एग्जिस्टिंग रोड के और 2 एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं, तो जिसके कारण जम्मू कश्मीर इतनी टनल तैयार कर रहे हैं, इतने रोड बना रहे हैं, मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर का विकास 3 गुना 4 गुना स्पीड से बढ़ेगा, इकोनॉमी मजबूत होगी, युवाओं को रोजगार मिलेगा और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि गांव, गरीब, मजदूर, किसान का कल्याण होगा और जम्मू कश्मीर एक समृद्ध और संपन्न राज्य होगा। गडकरी जी, आपने कारगिल की भी बात की और तमाम जगहों पर जहां जहां पर रोड कनेक्टिविटी हो रही है, आज़ादी के बाद इतना समय लग गया जम्मू कश्मीर को यहाँ तक पहुँचाने में, इसकी आपको लगता है ये उपलब्धि है या आपको लगता है कि किसी की कमी रह गई जिसकी वजह से यहाँ तक नहीं पहुँच पाए थे? एक बात है कि 47 के बाद लगातार कांग्रेस को 60-65 साल सत्ता में रहने का मौका मिला और मैं ये प्रमाणों के साथ बोल सकता हूँ कि 65 साल में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस या बाकी लोगों ने जो कुछ नहीं किया वो हमने 10 साल में करके दिखाया और आज जम्मू कश्मीर की बदल दे, जम्मू का रिंग रोड बन रहा है, श्रीनगर का रिंग रोड बन रहा है, टनल्स बन रही है। जम्मू से श्रीनगर जाना कितना कठिन था, अब 3-3 रोड बना रहे हैं, यानी इसी रोड पर हम कम से कम 50-60 हज़ार करोड़ खर्चा करें। फिर सबसे इम्पोर्टेंट जाते हैं मनाली, मनाली से रोहतांग पास जाने के लिए 3.5 घंटा लगता था, अब 8 मिनट में हुआ। रोहतांग पास से हम लोग लद्दाख लेह तक रोड बना रहे, 8 टनल बना रहे, वहाँ से आएंगे जोजिला, जोजिला टनल में हम लोग आशिया की सबसे बड़ी 11.6 किलोमीटर टनल का 70-75% काम पूरा हुआ है और इस टनल पर हमने 5,000 करोड़ की बचत की है। वहाँ से आके झेड़मोर टनल है, चुनाव के बाद प्रधानमंत्री उसका उद्घाटन करने के लिए उनको आमंत्रित कर रहे हैं। वहाँ से श्रीनगर आएंगे, फिर श्रीनगर से जम्मू तक 18 टनल बना रहे मेन रोड पर, बाकी रोड पर टनल बनाकर हम कम से कम 40-45 टनल बना रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इससे जो कनेक्टिविटी सुधरेगी उससे उद्योग, व्यापार और पर्यटन इसको बढ़ावा मिलेगा। जैसे दिल्ली से कटरा
माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए अभी जितने लोग आ रहे हैं उससे 2 गुना 3 गुना ज्यादा आएंगे। अमरनाथ की यात्रा कितनी कठिन है वो आसान हो जाएगी। मैं तो रोप वे और केबल कार के भी 35 प्रोजेक्ट कश्मीर में कर रहा हूँ। अमरनाथ बाबा अमरनाथ तक रोप वे का भी विचार कर रहा हूँ और उसके साथ नए होटल्स, रिसोर्ट, रेस्टोरेंट्स, एडवेंचर स्पोर्ट, वाटर स्पोर्ट्स और मुझे लगता है 2-2 एयरपोर्ट बन गए सब जगह पर। तो ये एक परिस्थिति बदलेगी और इसमें निश्चित रूप से जम्मू कश्मीर में भारत से ही नहीं तो वर्ल्ड से टूरिस्ट आएंगे। जम्मू कश्मीर एक प्रकार का स्वर्ग है, जन्नत है, मैं तो मानता हूँ स्विट्जरलैंड से भी अच्छा है। तो ये पोटेंशियल एक्सप्लॉइट होगा, इसका सबसे बड़ा फायदा यहाँ के युवाओं को रोजगार मिलेगा। मैंने देखा कि जब आप रैली कर रहे थे, लोगों से आप चर्चा भी कर रहे थे, बड़ी तालियां बज रही थी, क्या वादा कर किया आपने? मैंने कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार जम्मू कश्मीर के विकास के लिए कटिबद्ध है और मैं मजाक में कहता था अभी जितना कुछ हुआ है 2 लाख करोड़ का काम ये जो कर रहे हैं ये तो ट्रेलर है, असली फिल्म और शुरू होना बाकी है। हम बहुत अच्छा जम्मू और कश्मीर को विकसित करेंगे, जो सपने भी नहीं है ऐसा जम्मू कश्मीर तैयार करें। तो अब आपकी गट फीलिंग क्या कह रही है इस बार चुनाव में जम्मू कश्मीर में बीजेपी के लिए अच्छी खबर आ सकती है? हाँ, मुझे लगता है कि इस बार हम बहुत अच्छी सफलता मिलेंगे और सरकार बनाने में भी सफल होंगे ऐसा मुझे लगता है। ओके, आपका एक स्टेटमेंट जो है वो बड़ा चर्चा में हो रहा है, कल आपने मजाक में रामदास अठावले को लेकर जो बोला, आज सब उसके अलग अलग मायने निकाल रहे हैं, आखिर उसके मायने थे क्या? आपने कहा चौथी बार सरकार बने ना बने लेकिन ये मंत्री बनेंगे। ये रामदास अठावले खुद कह चुके हैं कि सरकार कोई भी पार्टी का बने मैं मंत्री बनूंगा। मैंने मजाक में कहा कि रामदास अठावले ऐसे कुशल राजनीतिज्ञ है कि सरकार किसी के भी बने पर वो मंत्री बनते हैं। तो एक प्रकार से मैं विरोध में कहा था, इसके और कोई मायने लगाने नहीं चाहिए, केवल लाइट अप्रोच में मैंने रामदास अठावले जी की चुटकी ली। अच्छा, लेकिन लोगों ने उसको कुछ और ही तरीके से सुना। लोग कारण न होते हुए बहुत सी बातों को मिस इंटरप्रेट करते हैं, ये उनकी क्रेडिबिलिटी के लिए भी अच्छा नहीं होगा। एक और बयान जिसमें आपने कहा था कि मुझसे अगर आकर के जाति की बात करोगे तो मैं जूता मारूंगा, और आजकल तो जाति पर ही बात हो रही है देश में। मैंने कभी जाति के जूता मारूंगा नहीं कहा था। मैंने अपने लोकसभा क्षेत्र में कहा था कि पूरा नागपुर है, नागपुर की जनता मेरा परिवार है, मैं जात पंथ धर्म भाषा और सेक्स के आधार पर किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करूंगा और जो मुझे मत देगा उसका भी मैं काम करूंगा, जो नहीं देगा उसका भी करूंगा, पर जो जात की बात करेगा उसको कस के लात पड़ेगी। हाँ। ये मैंने कहा। अरे हम, मैं ये मानता हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उसमें संस्कारित हुआ हूँ और हमारी यही संकल्पना है कि कोई भी उसकी जात पंथ धर्म और भाषा से व्यक्ति बड़ा नहीं होता, उसके गुणों से बड़ा होता है और मैं राजनीतिक जीवन में भी इसका अनुकरण करता हूँ और इसलिए मुझे सपोर्ट करने में, मदद करने में सब जाति के लोग मुझे मदद करते हैं और मैं मानता हूँ कि ये आप सब मेरा परिवार है, मैं आपका हूँ और आप मेरे हैं। आपको लगता है ये जो जाति को लेकर इस वक्त हर जगह पर चर्चा हो रही है, राहुल गांधी ने शुरू किया, उसके बाद विपक्ष के सभी नेता आजकल सिर्फ जाति की बात कर रहे हैं, ये सही ट्रेंड है? देखिए, किसने क्या करना चाहिए उनका प्रश्न है, पर मैं ये मानता हूँ कि समाज में जातिवाद, अस्पृश्यता, उच्च नीचता का भाव पूरी तरह समाप्त होना चाहिए और मानवता के आधार पर हमारे समाज की रचना होनी चाहिए और मैं व्यक्तिगत जीवन में, चाहे उसकी मुझे राजनीतिक कीमत देनी पड़ी तो भी, मैं जातीयवाद और अस्पृश्यता विरहित मेरे दृष्टिकोण को अपनाऊंगा, वैसे ही चलूंगा, चाहे मुझे उसकी कीमत कुछ भी देनी पड़ी, मैं इसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूंगा। ये मैंने पार्ट ऑफ कन्विक्शन के रूप में अपने लिए स्वीकार किया। नितिन जी, पहले टर्म में और सेकंड टर्म में आपके काम की हमेशा बड़ी चर्चा रही है, तीसरे टर्म में अब क्या उम्मीद की जाए कि ऐसा क्या नया अब आने वाला है जिसको लेकर कुछ ट्रांसफॉर्मेशन और दिखाई देगा? देखिए, 2 ही टर्म में इतना काम हुआ है कि पूरे देश के किसी भी राज्य में आप जाओ, किसी भी कोने में जाओ और किसी भी पार्टी के सांसद को, MLA को पूछो, किसी हमारे विरोधी को, वो ये मान्य करता है कि काम हुआ है और 10 साल में जो काम हुआ है उतना, उससे ज़्यादा काम इस 5 साल में करने की हमारी कोशिश है, पैसे की कोई कमी नहीं है और ईमानदारी से काम करने की हम कोशिश करें। नितिन जी, अभी जैसे इस बार बारिश बहुत ज़्यादा हुई है, जगह जगह से लोगों ने वीडियो डालने शुरू किए, उसमें लोगों ने मिसगाइड करने की भी कोशिश की, जहाँ पर हाईवे नहीं थे, राज्य के अंडर में सड़क थी, वहाँ भी गड्ढे थे तो उसमें भी आपको टैग किया जाता था, सच्चाई क्या है आखिर? एक बात है कि
मैं लोगों को समझाना चाहूंगा कि मैं राष्ट्रीय महामार्ग का मंत्री हूँ, स्टेट हाईवे, डिस्ट्रिक्ट हाईवे, म्यूनिसिपल रोड्स, ग्राम प्रधानमंत्री सड़क योजना में जो गांव को जोड़, इसका मैं मंत्री नहीं हूँ। अब एक दो बातें होती है, कहीं भी काम होता है तो उसका क्रेडिट मुझे देते हैं और कहीं भी गड्ढे दिखे तो डिस्क्रेडिट भी मुझे देते हैं। तो मैं ओनली राष्ट्रीय महामार्ग का जिम्मेदार हूँ और मैंने इस समय हमारे PDO और RO को बुलाने वाला हूँ। हमारे रोड पर जो सोशल मीडिया और मीडिया से फीडबैक मिला उसकी हर स्पॉट की इंक्वायरी होगी और जहाँ क्वालिटी की तकरार होगी उन कॉन्ट्रैक्टर को ब्लैकलिस्ट करेंगे और जो अधिकारी है उनको सस्पेंड करेंगे। इसके बारे में मैं कठोर भूमिका लूँगा। पर एक बात है कि कभी कभी डांबर के रोड कितने भी अच्छे बना दें तो बाढ़ आती है, ब्रिज बह जाता है, तो कुछ बार सब जगह पर क्वालिटी का कारण नहीं होता। फिर भी इसकी इंक्वायरी होकर, इंस्पेक्शन होकर अगर हमारे तरफ में कोई गलती होगी तो उसके ऊपर बिल्कुल कड़ी कार्रवाई करेंगे, ये हमने निर्णय किया। पिछली बार भी जब मैंने आपका इंटरव्यू किया था आपने बोला था कि कोई भी अधिकारी अगर चाहे वो रिश्वत की बात हो या फिर काम चोरी की बात हो आपका डंडा हमेशा चलता है, वो डंडा अब भी चल रहा है? बिल्कुल चल रहा है। मुझे, मैं लोगों से आह्वान करूंगा कि हम ट्रांसपेरेंट, टाइम बाउंड, रिजल्ट ओरिएंटेड और करप्शन फ्री है। कोई कॉन्ट्रैक्टर को मेरे यहाँ नहीं आना पड़ता। मैं 50 लाख करोड़ के काम अभी तक अवार्ड कर चुका हूँ अलग अलग डिपार्टमेंट में और यहाँ पर। नीचे लेवल पर अगर कोई अधिकारी पैसे मांगता है मुझे सूचना दो, मुझे जानकारी दो, मैं उनको सस्पेंड किए बिना रहूँगा नहीं। अब मैंने 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड बने हमारे डिपार्टमेंट, मुझे 9 डॉक्टरेट डिलीट्स मिली, अब मुझे रिटायर्ड करना लोगों को और सस्पेंड करने का भी रिकॉर्ड बना। जो ऐसे भ्रष्ट अधिकारी है उनको मैं बिल्कुल कठोरता से उनके ऊपर कार्रवाई करूँगा और जो ऐसे कॉन्ट्रैक्टर है उनको बिल्कुल ब्लैकलिस्ट करूँगा, उनको सिस्टम से बाहर कर दूँगा। एक और बात सोशल मीडिया की, क्योंकि आपने बात कही, कई सारे मीम बन रहे हैं टोल को लेकर के कि कहीं पर भी हम जाते हैं आजकल टोल जो है वो बहुत ज़्यादा देना पड़ता है। ये टोल को लेकर के जो चर्चा चल रही है कि सड़क कितने की है नहीं उससे ज़्यादा गुना टोल देना पड़ रहा है, देखो ये कुछ बातें ऐसी है कि हमारे सब रोड पर टोल नहीं है। अब कश्मीर में हम लोग 2 लाख 3 लाख करोड़ के काम करेंगे, यहाँ थोड़ी टोल का इनकम है। टोल का इनकम पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान और तमिलनाडु और कर्नाटक का यही है। हमारे 1,25,000 में 42,000 करोड़ केवल टोल है। पर हम आज नॉर्थ ईस्ट में 3 लाख करोड़ के काम कर रहे हैं, उत्तराखंड में 1.5 लाख करोड़ के काम कर रहे हैं, हिमाचल में 1 लाख करोड़ के काम कर रहे हैं, कश्मीर में 3 लाख करोड़ के काम कर रहे हैं, अरुणाचल, मेघालय, त्रिपुरा, वहाँ का टोल है, तो यहाँ से पैसे वहाँ डालते हैं। दूसरी बात, टोल के बारे में अब हम ऐसी सिस्टम ला रहे हैं कि जहाँ से जाएंगे और जहाँ से निकले उतना ही टोल देना पड़ेगा। अभी क्या होता है 25 किलोमीटर जाते हैं और 65 किलोमीटर का टोल भरते हैं, और वो सिस्टम को भी बदल रहे हैं, सैटेलाइट बेस्ड टोल सिस्टम ला रही है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात है, पहले पुणे से मुंबई जाने के लिए 9 घंटे लगते थे, अब आप 2 घंटे में जाते हो तो फ्यूल और टाइम बचता है। अब ये दिल्ली से कटरा आने के लिए कम से कम 24 घंटे लगते हैं, आप 6 घंटे में आओगे तो डीजल पेट्रोल कम बचेगा, आपका टाइम बचेगा। तो देखो, इफ़ यू वांट गुड सर्विसेज यू हैव टू पे फॉर इट। केवल सरकारी बजट से नहीं, हम मार्केट से कर्जा भी निकाल रहे हैं और रोड बना रहे हैं और ओवरऑल उसमें जनता का प्रॉफिट है, एक्सीडेंट्स कम होंगे और लोगों को विशेष रूप से फ्यूल कम लगेगा, प्रदूषण कम होगा। और नेचुरली अभी जैसे मैं मजाक में कहता हूँ, बड़े बड़े होटल में आपके चैनल वालों के कार्यक्रम होते हैं, तो मैंने उनको कहा कि आपको फुकट में मिला गया होटल, आपको यहाँ 5-star होटल में चाय देना पड़ता है, यहाँ का चाय 500 रुपये कप है, आपको ऑप्शन था ना रामलीला मैदान का, 10 रुपये का चाय मिलता और लॉन पर 2 कुर्सियाँ रख के आप शूटिंग कर सकते थे, पर आप रामलीला मैदान के बजाय अगर 5-star होटल में आओगे तो यू हैव टू पे द प्राइस फॉर द सर्विस। तो बेसिकली क्वालिटी अगर चाहिए तो आपको प्राइस देना पड़ेगा। अब देश में एक्शन कम होना, इसके लिए करना और पूरे देश का विकास करना, केवल जहाँ ट्रैफिक है वहाँ रोड नहीं बना रहे, जहाँ वायबल नहीं है वहाँ भी बना रहे, तो यहाँ का पैसा उनको जाता है। और दूसरी बात ये भी सत्य, बीच में एक चैनल ने दिल्ली जयपुर के बारे में कहा, उसका वसूल कितने कॉन्ट्रैक्टर बदल गए और उसको डेवलप किया। मैंने खुद गुड़गांव में 4 ब्रिजेस नए बनाए, वो हीरो का, इफ्को वाला, अब वो उसमें 5,000 करोड़ के काम हमने किए और 1,000-1,500 करोड़ के कर रहे हैं, रोड का वाइंडिंग कर रहे हैं, सर्विस रोड बना रहे हैं,
तो वो उन्होंने बताया ही नहीं। तो आखिर क्या है कि बड़े प्रमाण पर हम लगातार अपग्रेडेशन करते हैं, पैरेलल रोड बनाते हैं, टनल्स ब्रिजेस बनाते हैं, टनल बनाते हैं। अब एक एक टनल कितनी महंगी है, हम तो देश में 250 किलोमीटर के टनल बना रहे हैं, उसकी कीमत ही कम से कम आप 3-1 लाख रुपए तक जाएगी। तो ये सब करना है तो पैसे लगेंगे। अभी जम्मू कश्मीर में हर जगह टनल लग रही, पूरा पहाड़ हिमालय है, बिल्कुल हाँ। तो ये पैसा कहाँ से आएगा? टफ भी है बनाना। और अगर हम पंजाब हरियाणा दिल्ली कर्नाटक महाराष्ट्र गुजरात में टोल ले लेंगे तो यहाँ पैसा कहाँ से खर्चा करेंगे। डीजल गाड़ियों को लेकर के भी आपने पिछले दिनों बोला, भविष्य में क्या होने वाला है, मतलब हम क्या माने डीजल गाड़ियों को लेकर के, कुछ क्या कोई नियम कायदे कानून बदलने वाले हैं? डीजल पेट्रोल के विरोध में नहीं हूं। हमारे देश में 22 लाख करोड़ का डीजल पेट्रोल का इंपोर्ट है और इसके कारण कितना प्रदूषण होता है आप दिल्ली में अनुभव करते हो। बिल्कुल, आज आम आदमी का लाइफ 10 साल कम हो रहा है, क्या प्रदूषण कम नहीं होना चाहिए? और मैं मेरे विभाग 40% एयर पोल्यूशन के लिए जिम्मेदार हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि क्लीन फ्यूल आए, इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, बायो एलएनजी, सीएनजी, इलेक्ट्रिक और हाइड्रोजन, और देश का 22 लाख करोड़ में से एक 10 लाख 15 लाख करोड़ इंपोर्ट कम होगा तो देश के इकोनॉमी में किसान ऊर्जादाता बन रहा है, किसान हाइड्रोजन तैयार करेगा, किसान इथेनॉल तैयार करेगा। अब इथेनॉल की बजाज, टीवीएस, हीरो, होंडा बाइक आ गई, अब इथेनॉल 100% पे गाड़ी है, फ्लेक्स इंजन पर टाटा सुजुकी टोयोटो की आ रही, मेरे घर में खुद है, मैं यूज करता हूँ, और इससे प्रदूषण भी कम होगा, किसानों का भी फायदा होगा। क्या इस देश का किसान अन्नदाता, ऊर्जादाता, विटामिन दाता, हवाई ईंधन दाता, सीएनजी दाता नहीं बनना चाहिए? और इसलिए हमारे एग्रीकल्चर और रूरल सेक्टर को अगर हमने एनर्जी की तरफ डाइवर्सिफाई किया तो गाँव समृद्ध सम्पन्न होंगे, शहर जैसे स्मार्ट शहर बन रहे वैसे स्मार्ट विलेज बनेंगे, गांव में लोगों को, लड़कों युवाओं को नौकरी मिलेगी, रोजगार मिलेगा, और कोई गांव से शहर नहीं आएगा तो दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई की झोपड़पट्टियाँ भी कम हो जाएगी और देश आत्मनिर्भर भारत बनेगा और प्रदूषण मुक्त बनेगा। ये मिशन पे मैं काम करता हूँ। मैं पेट्रोल डीजल के फॉसिल फ्यूल पे विरोध नहीं कर रहा, मैं कोई उनके विरोध में, पर एक बात मैं आपको पूछता हूँ, अगर आप डीजल पेट्रोल की गाड़ी यूज करोगी तो 120 रुपए का पेट्रोल, 110 रुपए का डीजल, इथेनॉल की फ्लेक्स इंजन की करोगी तो 25 रुपए आपको लगेगा, इलेक्ट्रिक की करोगी तो 8 रुपए पे लगेगा, हाइड्रोजन की करोगी तो 6 रुपए लगेगा। अब इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री, जब आपका पैसा ही बच रहा है तो आप इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीद रहे हैं तो मुझे समझाने की जरूरत ही नहीं है। अब इलेक्ट्रिक ट्रक आ रही, पूरी इलेक्ट्रिक बसेस आ रही, इलेक्ट्रिक स्कूटर आ रही। अभी आप ये कश्मीर में मेरे साथ देखा होगा कितने जगह पर इलेक्ट्रिक को ऑटो रिक्शा दिख रहे थे, या क्या मेरे प्रचार के कारण आएगा? इकोनॉमिकली वायबल है, उनकी कमाई बढ़ गई, 2000 रुपये रोज कमा रहे हो क्योंकि इलेक्ट्रिक में मेंटेनेंस नहीं, पोल्यूशन नहीं। और यही हाइड्रो पावर के जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट है कश्मीर में, उत्तराखंड में, हिमाचल में, इसकी बिजली अगर सरकार ने तय की कि फुकट में देंगे तो प्रदूषण ही नहीं होगा और ये गरीब लोग कमाएंगे, क्या देश इससे समृद्ध संपन्न नहीं होगा? बिल्कुल। दो तीन छोटे छोटे पॉलिटिकल सवाल करना चाहूंगी मैं नितिन जी। वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो रही है, हमने देखा कि अभी लोकसभा चुनाव खत्म हुआ, फिर चार राज्यों के चुनाव हो गए, अभी ये खत्म होगा, अभी महाराष्ट्र में चुनाव होने वाला है, झारखंड में। आपको लगता है अब देश की जरूरत है और जो लोग इसको अपोज कर रहे हैं उनको सोचने की जरूरत है? पहली बात तो ऐसी है कि सुप्रीम कोर्ट के एक्स चीफ जस्टिस, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, समाज में अनेक ऐसे अग्रणी लोग, पूर्व राष्ट्रपति के कमेटी जी ने इनसे सबसे सलाह मशवरा किया, ये कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है। साल भर कोड ऑफ कंडक्ट लगता है, ये कोड ऑफ कंडक्ट ने पूरे काम बंद कर देता है, क्या देश के हित में है? क्या साल भर काम बंद रहेंगे तो देश का विकास कैसे होगा? तो ये पब्लिक की आम भावना है और मुझे लगता है इसके पीछे अच्छा भाव है, चर्चा भी सबसे करेंगे और इसके लिए अभी पार्लियामेंट की ज्वाइंट सिलेक्शन कमेटी है, उसमें क्या सुधार करना नहीं करना सबका अधिकार है और लोकतंत्र के हित में और देश के हित में ये करना उचित होगा ऐसा मुझे लगता है। महाराष्ट्र में भी अब आपके गृह राज्य में भी अब चुनाव है, इस वक्त जो स्थिति चल रही है उसमें आप क्या भाव पा रहे हैं कि महाराष्ट्र में क्या राजनीतिक? महाराष्ट्र में ट्रिपल इंजन लगा हुआ है, शिवसेना भी है, एनसीपी भी आई, भाजपा भी है, हम लोग निश्चित रूप से जीतेंगे और हमारी सरकार आएगी ऐसा मुझे विश्वास है। गडकरी जी, जब से ये सरकार बनी है इस बार नंबर थोड़े कम आए,
और लगातार एक नैरेटिव चलाने की कोशिश है कि ये सरकार तो अल्पमत की सरकार है। राहुल गांधी विदेश में जाके भी ये बात बोल रहे हैं, देश में भी विपक्ष लगातार इसी एजेंडे को संसद में चला रहा था। ये एनडीए की सरकार है, मेजोरिटी से आई है और ये सरकार पूरा समय चलेगी। राहुल गांधी बोलना है तो उनका अधिकार है, पर वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने जैसा होगा। हमारी सरकार को कोई धोखा नहीं है, मोदी जी के नेतृत्व में पूरी सरकार अच्छी तरह से चलेगी। अंतिम सवाल, क्योंकि नितिन जी आप नागपुर से हैं, संघ के इतने करीबी आप माने भी जाते हैं, संघ और बीजेपी को लेकर बड़ी चर्चा हो रही है। अरविंद केजरीवाल ने सवाल पूछ लिए हैं, वो कह रहे हैं कि संघ क्या अपना डंडा नहीं चला पा रहा है अब, और बीजेपी और संघ के रिश्तों पर वो लगातार कमेंट कर रहे हैं। अब संघ और बीजेपी के रिश्तों पर हमें अरविंद केजरीवाल के मार्गदर्शन की जरूरत नहीं है, और अरविंद जी बोले जो बोलना है बोले, और उनको सीरियसली लेने के लिए बीजेपी तो भी उनको सीरियसली नहीं लेती। तो दिल्ली में आपको लग रहा है अरविंद केजरीवाल जो अभी पूरा कर रहे हैं, अब अपना घर भी छोड़ रहे हैं, अपनी पुरानी गाड़ी पर वापस आ रहे हैं, पुराने रूप रंग में वापस आ रहे हैं, बदलना चाहते हैं, और निश्चित रूप से अगली बार आने वाली सरकार बीजेपी की। बहुत बहुत शुक्रिया नितिन जी हमसे इस खास बातचीत के लिए, और हमने देखा कि सड़क से लेकर के राजनीति तक किस तरह से हर सवाल के विवाद जवाब हमेशा गडकरी जी देते हैं, और आज भी दूरदर्शन से इस खास बातचीत में यही रहा। बहुत बहुत शुक्रिया गडकरी।